अडवाणी से। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की विधानसभा में ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर बना रहे सड़क का आश्वासन से थककर उठाया कदम। 500/500 इकट्ठा कर अब गांव के बच्चे और बड़े सभी मिलकर बना रहे सड़क। चुनाव के समय नेता जनता से बड़े बड़े वादे कर लेते लेकिन उन्हें पूरा कितना किया जाता इसका उदाहरण देखने को मिला राजपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत लिम्बई के ग्राम जमानिया में, जहां नेताओं के आश्वासनों से थक कर अब ग्रामीण खुद ही गांव की दशा बदल रहे। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम की सड़क पिछले 5 सालों से बदहाल है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है, जिसके निर्माण के लिए ग्रामीणों ने पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधायक बाला बच्चन से गुहार लगाई, जिन्हें बाला बच्चन ने आश्वस्त किया कि सड़क बना दी जाएगी। लेकिन अब ग्रामीणों को बताया कि सरकार बदल गई, सारे स्वीकृत कार्य निरस्त हो गए, अब नए सिरे से प्रस्ताव बनेगा जिसकी स्वीकृति में 1 वर्ष लग जाएगा। ग्रामीण सांसद गजेंद्र पटेल से भी मिले लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार अब ग्रामीण ही ग्राम में चंदा इकट्ठा कर बच्चे बड़े सड़क निर्माण में जुट गए। हालांकि इस मामले में सांसद गजेंद्र पटेल से बात करनी चाहिए लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पूर्व गृह मंत्री भी बाहर थे, जबकि कांग्रेस नेता राजन मंडलोई ने भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, 15 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की अभी आई थी, लेकिन जो काम स्वीकृत किए गए वो सारे निरस्त कर दिए गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने ग्रामीणजनों को बधाई देते हुए आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता कदम बताया। साथ ही बाला बच्चन पर हमला बोला, कहा, पूर्व गृह मंत्री 5 बार से विधायक, अभी गृह मंत्री भी थे, उन्होंने ध्यान देना चाहिए था। उनकी विधानसभा है, उनके गृह गांव से लगी हुई पंचायत है। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला आया, आज ही निर्देश देकर सड़क को व्यवस्थित बनवाने की बात करता हूं। मतलब जो होम मिनिस्टर, 100 होम मिनिस्टर की ग्राम पंचायत में लोगों को खुद सड़क बनाना पड़ रही है जन सहयोग से, क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपने बताया कि राजपुर विधानसभा के गांव के अंदर सड़क ग्रामीणों को खुद को बनाना पड़ रही है। निश्चित तौर पर गांव के लोग त्रस्त हो चुके होंगे, उनका रास्ता नहीं बन पाया, लेकिन मेरे हिसाब से बाला बच्चन जी ने जरूर प्रस्ताव दिए होंगे, क्योंकि अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी भेदभावपूर्ण काम करती, जिसकी वजह से वहां पर काम हो नहीं पाया। ऐसे भी विगत 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज भी दूरस्थ स्थलों में पहुँच मार्ग नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। और हमारा जो बड़वानी जिला है वो आदिवासी बाहुल जिला है, इसको प्रायोरिटी पे काम किया जाना चाहिए। और मैं गांव वालों को मतलब बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वयं ने सड़क बना ली, को लाचार नहीं हो, गरीबों को भी थोड़ा सा जो काम किया है उसका पैसा मिल जाए। जगदीश रोमड़े, क्या हुआ जगदीश, क्या कहते हैं ये? हम लोग रास्ता बनाने के लिए आए हैं भाई साहब। क्यों, क्या कहा? हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, अब एक दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि अगर आने जाने में जैसे अब तो डेली वेजेस वाला काम है और जाएंगे तो हमें कितने गाड़ियां पंचर हो जाती है, फिर गड्ढे इतने हैं कि हम लोग चल नहीं पाते हैं ठीक से, कंजस्टेड है बहुत रास्ता और ऊपर से गड्ढे हैं, तो हमें ढेर सारी परेशानियां हैं। तो कितनी दूर का है ये? 2 से 2.5 किलोमीटर है। इसके लिए कोई बात की थी पहले? हाँ, हमने बालाजी, जो बाला बच्चन साहब हैं हमारे, मतलब सांसद से भी बात करी थी और विधायक जी से भाई 2-4 रोज पहले बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यार हम आपको और आपका रोड तो बोले मंजूर हो गया है और प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने डाल दिया है दिल्ली के लिए। इसके पहले उन्होंने PWD में डाला था लेकिन वो सेंशन होते होते बोले हमारी सरकार गिर चुकी है। 2018 में वैसे बहिष्कार तो किया था उन्होंने, लेकिन क्या है कुछ ऐसे तथ्य भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मतलब उस चीज़ का वो किया है। तो फिर हमने फिर सब गांव वालों ने अपना चंदा इकट्ठा करके और एक रोज़ बैठक ली और उसमें बोला कि आप अपने हिसाब से अपना खुद योगदान दो और पैसा चंदा 500-500 इकट्ठे किए और रोड बना रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? उमराव सिंह रोमड़े। रोमड़े जी, क्या मामला है सड़क निर्माण के लिए आप खड़े हैं यहाँ पे? ये हमारे मतलब ये रास्ता बहुत ख़राब है और 5 साल से इसके हम मांग कर रहे हैं बनाने की। क्या अभी क्या हुआ है? अभी बीच में बाला बच्चन पूर्व मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हम इसको मतलब 2019 के बजट में लेके मतलब ये रोड को हम बनवा देंगे, मार्च के बाद भूमि पूजन कर देंगे, ऐसा तक आश्वासन दिया था। लेकिन अभी बीच में हमने जानकारी ली तो बोले यार वो स्वीकृत तो हो गया है लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी काम नहीं हो रहे हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले मिले तो बोले कि वो स्वीकृत हुए थे पर वो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो पुराने स्वीकृत आदेशों को सब निरस्त कर दिए हैं, तो अभी मैंने नए सिरे से इसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रपोजल दिल्ली भेजा है,
तो उसको हमने कहा कि वो तो कितना टाइम लगेगा, बोले साल भर के करीब लगेगा। ये लिम्बई से 2.25 किलोमीटर है जामनगर गाँव, और इसकी मांग मतलब हम 2015 से मतलब कंटिन्यू लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं, विधायक सांसद महोदय और सरपंच वगैरह सबसे मतलब मांगे करते रहे ये, पर किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। मतलब इसमें पास होने के बाद भी नहीं बनी सर? नहीं बनी। लिम्बई ग्राम पंचायत के जामनिया में लोग चंदा घाट करके सड़क बना रहे हैं, जबकि पूरा गांव आदिवासी बेल्ट है, जिला भी आदिवासी, प्रतिनिधि भी आदिवासी जिले, उसके बाद ये स्थिति क्या कहेंगे इसके? देखिए, ये विषय मेरी जानकारी में आज अखबार और आप सबके माध्यम से आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है, और मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री भी उसी जामनिया के पास के रहने वाले हैं। वो लगातार वहाँ से विधायक हैं, और उनके ही गाँव में, उनके ही विधानसभा में ये समस्याएँ हैं। ये तो हमारे गृह मंत्री जी को देखना था, उस समय के पूर्व गृह मंत्री जी को, बाला बच्चन जी को, लेकिन आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है। मैं इस विषय के ऊपर पूरी गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को आज ही निर्देश दूंगा कि वहाँ पर सड़क जो बन रही है, जो गांव के लोगों ने अपने परिश्रम से, अपने पैसों से और श्रमदान से तैयारी की है, और वैसे उन ग्राम पंचायत के सभी आदिवासी भाइयों और बहनों को तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने अपने गांव की सड़क खुद ने बनाई है, वो धन्यवाद के पात्र है। और इस देश में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो सच में हमारे हृदय में उन्होंने जगह बना ली है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय शिवराज मामा की सरकार और उनके जो जनप्रतिनिधि है, हम सांसद भारतीय जनता पार्टी के और विधायक हैं, हम सब लोग इसको लेकर बहुत संवेदनशील है। और मैं आज ही अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जो जामनिया में सड़क गांव के लोगों ने बनाई है, उसको सरकारी व्यवस्था के तहत और अच्छी और बेहतर बनाने के निर्देश आज ही जारी करूंगा। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।